बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टीकास्ट की या मल्टीकास्टिंग। अब बेसिकली हमारे पास एक है यूनिकास्ट, एक है ब्रॉडकास्ट, और ये तर्ड जो हमारे पास टर्म या टर्मिनोलॉजी यूज होती है कम्युनिकेशन में वो है मल्टीकास्टिंग की। अब बेसिकली यूनिकास्ट क्या है? वन डेस्टिनेशन, अगर आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं और आपके पास रिसीवर जो है वो एक है, या हम कहें कि आपके पास ऐसी कम्युनिकेशन है कि आपके पास वन डेस्टिनेशन है, ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड यूनिकास्टिंग। ब्रॉडकास्ट मींस एक सेंडर जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं और सारे डेस्टिनेशन है, सो वन टू वन यूनिकास्ट। ब्रॉडकास्ट वन टू ऑल कम्युनिकेशन, जितने भी स्टूडेंट्स है, या अगर मैं मिसाल ले लूँ, मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ क्लास के अंदर और सबके साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ एक टाइम पे, मैं सेंडर हूँ और सारे मेरे रिसीवर है, सो दैट इज कॉल्ड ए ब्रॉडकास्ट। मल्टीकास्ट मींस सबसेट ऑफ डेस्टिनेशंस, नॉट ऑल, नॉट वन, बट फ्यू। सो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीकास्ट we can say it's lie between the, in the middle of unicasting and broadcasting. So means agar ek se zyada receiver ho lekin sare na ho to wo kya hai, agar aap uske sath communicate kar rahe so that is called multicasting. Misal ke taur par class mein ek student ke sath agar ek teacher ki communicate kar rahe aur uska receiver ek time pe sirf ek hi hai, so that is called यूनिकास्टिंग। अगर आप पूरे क्लास के साथ कम्युनिकेट करें सो देयर वुड बी अ ब्रॉडकास्टिंग कॉन्सेप्ट। एंड मल्टीकास्टिंग मींस यू आर कम्युनिकेटिंग नॉट विद वन, नॉट विद ऑल, बट फ्यू, वन टू थ्री फोर, मे बी इफ देयर आर 30 स्टूडेंट्स एंड यू आर कम्युनिकेटिंग विद 15 स्टूडेंट्स, सो हम उसको कहेंगे कि ये मल्टीकास्टिंग का कॉन्सेप्ट है। तो कम्युनिकेशन के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। व्हेन इज मल्टीकास्ट यूजफुल, कहाँ पे इसकी यूजफुलनेस है? ये यूजफुल बहुत बड़ा, अगर आप देखें आईपी वर्जन 4 के अंदर एक कंप्लीट क्लास डी जो है वो रिजर्व किया गया है मल्टीकास्टिंग के लिए। ऑल दो आईपी वर्जन 4 इटसेल्फ जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करता, बल्कि आईपी वर्जन 6 के अंदर मल्टीकास्टिंग की इनहेरेंट सपोर्ट है। और जो वेस्ट लिस्ट थी जब ट्रांजिशन हो रही थी, जब सोचा जा रहा था ट्रांजिशन के हवाले से आईपी वर्जन 4 से आईपी वर्जन 6 के लिए, तो उस विश लिस्ट में मल्टीकास्टिंग को भी रखा गया था कि एक ऐसा आईपी वर्जन हो जो कि मल्टीकास्टिंग को सपोर्ट करें। तो सो इसकी यूजफुलनेस काफ़ी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर यू आर सेंडिंग डेटा टू मल्टीपल रिसीवर एट वंस, सो ये कहाँ पे हो सकता है? ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो सकता है, ये वीडियो ऑन डिमांड में हो सकता है, टेली कोलैबोरेशन में हो सकता है, सॉफ्टवेयर अपडेट टू अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हो सकते हैं। सो इट मीन्स के सेंडिंग क्वेश्चंस टू अननोन रिसीवर्स एंड व्हाटएवर, सो मतलब ये देखिए, सॉफ्टवेयर अपडेट टू ग्रुप ऑफ कस्टमर, सो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, सेल्फ डिमांड मल्टीकास्ट। सो व्हाई नॉट जस्ट यूज ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट? हम मल्टीकास्ट यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी? ब्रॉडकास्ट या यूनिकास्ट से हम वो जो मल्टीकास्ट की जो है, ठीक है, अफादियत है, जो फ़ायदे हैं, या उसको हम ले सकते यूनिकास्टिंग से, या ब्रॉडकास्ट से भी हम मल्टीकास्ट का काम कर सकते हैं। तो फिर व्हाई मल्टीकास्ट इफ देयर इज़ यूनिकास्ट, इफ देयर इज़ अ ब्रॉडकास्ट? सो हमें ज़रूरत क्यों पड़ी मल्टीकास्टिंग की? तो इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि मिसाल के तौर पर अगर आप यूनिकास्टिंग करते हैं, ठीक है, आप यूनिकास्टिंग करते हैं, मतलब आप मल्टीपल लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं और मल्टी यूनिकास्टिंग के थ्रू करना चाहते हैं, तो आपके पास एक मैसेज है और आपने उसकी मल्टीपल कॉपीज ले ली और आपने फिर वन बाय वन सबको सेंड किया, काम तो चल गया, काम तो वही मल्टीकास्टिंग वाला काम आपने कर दिया, लेकिन मसला क्या हुआ? ओवरहेड आपने इंक्रीज किया, क्योंकि हर एक मैसेज के साथ एक एक ओवरहेड लगेगा। सो एक मैसेज को आपने सबको मल्टीपल को सेंड नहीं किया, बल्कि एक मैसेज के मल्टीपल कॉपीज लेके फिर हर एक को इंडिविजुअली आपने सेंड किया, तो हर एक मैसेज के साथ देयर मस्ट बी अ हेडर, तो आपने क्या किया, ओवरहेड को आपने इंक्रीज किया। अब ब्रॉडकास्ट के थ्रू हम क्यों नहीं करते? ब्रॉडकास्ट इज समहाउ फ्लडिंग,
अच्छा, कुछ रिसीवर्स को अगर जरूरत, या डेस्टिनेशन जो इनको जरूरत नहीं है किसी मैसेज की, फिर भी आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं इटसेल्फ, मतलब इतना एफिशिएंट कम्युनिकेशन आप इसको नहीं कहेंगे। अगर एक रिसीवर को या एक डेस्टिनेशन को एक मैसेज रिक्वायर्ड ही नहीं है एंड यू आर सेंडिंग दैट मैसेज टू दैट पर्टिकुलर नोड, तो वो जो काम कर रहे हैं, मे बी कि वो उस काम से थोड़ा सा डाइवर्ट होके इस मल्टीकास्ट मैसेज की तरफ उसका ध्यान आ जाए, एंड देन अगेन, सो आई मीन यू आर समहाउ कम्युनिकेशन को इतना इफेक्टिव नहीं बना रहे। अब अगर ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू आपने मल्टीकास्टिंग की मल्टीकास्ट करना है तो और मे बी कि ब्रॉडकास्ट में इटसेल्फ ब्रॉडकास्ट का जो कंसेप्ट है वो लैन पे यूज हो सकता है, बल्कि वैन के ऊपर, जा हम कह सकते हैं कि इंटरनेट के ऊपर ब्रॉडकास्ट पॉसिबल ही नहीं है। सो ये एक दूसरा जो है मेन शॉर्ट कमिंग है, जो कि ब्रॉडकास्ट से हम वो मल्टीकास्ट वाला फंक्शन हम उसके लिए हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब हमारे पास है कि मल्टीकास्ट सपोर्ट कहाँ पे है। मल्टीकास्ट सपोर्ट तो लैन के ऊपर इसको सपोर्ट किया जाता है। मल्टीकास्ट सपोर्ट जो है वो लैन के ऊपर ब्रॉडकास्ट की सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है, और ऑफन सपोर्टेड बाय हार्डवेयर एंड लेंस, ठीक है, बट डिफिकल्ट टू एक्सटेंड इन स्केलेबल मैनर। चैलेंजेस क्या है? एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन के चैलेंजेस हमारे पास है, या स्पेसिफिकेशन ऑफ रेसिपिएंट ग्रुप, ठीक है, तो ये हमारे पास दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं मल्टीकास्ट में। अब अगर हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने कहा कि आईपी वर्जन 4 के अंदर मल्टीकास्टिंग जो है वो सपोर्ट नहीं है, मल्टीकास्ट की सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मल्टीकास्टिंग को हम इम्प्लीमेंट करें या डिप्लाई करें, तो कौन सी सपोर्ट स्ट्रेटजीज रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो एज वी नो के ऑलरेडी क्लास डी जो है वो मल्टीकास्ट के लिए यूज़ हो रहा है IP वर्जन 4 के अंदर, आपको एक एम बोन नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो मल्टीकास्ट बैकबोन जिसको हम कह सकते हैं कि इट्स अ एम बोन जो है, इट्स स्टैंड फॉर इंटरनेट मल्टीकास्ट बैकबोन। तो अब मल्टीकास्ट बैकबोन किस तरह हम बना सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक चीज़ तो यहाँ पे है कि हु विल डू दिस ग्रुप मैनेजमेंट इन द मल्टीकास्ट, ठीक है, तो उसका जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा वो IGMP यूज़ होगा, ठीक है। बेसिकली IGMP आपके पास दोनों में यूज़ होगा। IGMP प्रोटोकॉल्स कैन बी यूज टू डिप्लॉय, ठीक है, टू डिप्लॉय मल्टीकास्टिंग इन एन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी वो IGMP है, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। बट IGMP जो है वो ये IP वर्जन 4 में भी यूज़ किया जा सकता है और IP वर्जन 6 में भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, ये अभी हम पढ़ेंगे कि IP वर्जन 4 को जब हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे मल्टीकास्टिंग को एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लाई करेंगे, सो हम यूज़ करेंगे द कंसेप्ट ऑफ टनलिंग, एम्बोन्स आवर टनलिंग। टनलिंग हमने VPN के अंदर हमने पढ़ा था, कवर किया था इनकैप्सुलेशन और टनलिंग। तो ये भी अब थोड़ा सा आगे हम इसको देखते हैं कि हम अगर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे सो वी विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टनलिंग एंड एम्बोन, ठीक है, और जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा देयर कुड बी IGMP। अब कौन से प्रोटोकॉल्स हमारे पास यूज़ हो सकते हैं राउटिंग के लिए और फॉरवर्डिंग के लिए, क्योंकि राउटिंग और फॉरवर्डिंग तो हर हाल में आपने इंटरनेट के ऊपर करनी है, तो प्रोटोकॉल्स वही हमारे पास यूज़ होते हैं जो कि नॉर्मली डिस्टेंस वेक्टर या लिंक स्टेट, जो हमने दो मेन प्रोटोकॉल्स जो है वो राउटिंग के लिए पड़े हैं फॉरवर्डिंग के लिए, तो वो यूज़ हो सकते हैं, या कोई ऐसा प्रोटोकॉल्स आप इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल आप बना सकते हैं जिसके अंदर इसका सपोर्ट हो। अब IP मल्टीकास्ट सर्विस मॉडल जो कि चल रहा है कि आप एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यू वांट टू डिप्लॉय मल्टीकास्ट, ठीक है, सो आपके पास एक चीज़ है कि मल्टीकास्ट के अंदर ईच ग्रुप यूजेस अ सिंगल एड्रेस। नॉर्मली पॉसिबल है कि एक ही एड्रेस है और जो ग्रुप ऑफ मल्टीकास्ट रिसीवर हैं वो एक ही सिंगल एड्रेस पे वो उनको वो डेटा रिसीव हो रहा है, तो क्लास डी एड्रेस है,
and some are well known and some are dynamically assigned. So distribute जो है ग्रुप मेंबरशिप किस तरह होगी, ठीक है, मतलब हमने कहा कि यू कैन सेंड ए ग्रुप ऑफ यूजर्स, ठीक है, एंड देट मे बी या देट कैन बी थ्रू अ सिंगल एड्रेस. सो ग्रुप मेंबरशिप के लिए मेंबर्स कहाँ पे एलोकेट होंगे, मतलब अगर मल्टीकास्ट मेंबर्स हैं तो उन वो किस किस्म के उनके फीचर्स होंगे, क्या होंगे उनके फीचर्स, ठीक है. तो वो मेंबर्स लोकेटेड एनीवेयर इन द इंटरनेट, वो कहीं पे भी हो सकते हैं. इट्स नॉट पॉसिबल कि वो सिर्फ इस जगह पे उस जगह, वो इंटरनेट के ऊपर मल्टीकास्ट रिसीवर्स के मेंबर्स जो है वो कहीं पे भी हो सकते हैं, और उसके वो जो है अर्बिट्री होंगे, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो उससे कुछ वो नहीं, ग्रुप के मेंबर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और वो ज्वाइन भी कर सकते हैं और उस ग्रुप को लीव भी कर सकते हैं. कोई एक ग्रुप जो है उस मेंबर में शामिल भी हो सकता है और उस ग्रुप में जो ऑलरेडी मेंबर है उसको छोड़ भी सकता है डायनेमिकली. और होस्ट कैन बिलोंग टू वन और मोर ग्रुप, और होस्ट जो है एक टाइम पे, एक होस्ट जो है वो एक ग्रुप का भी मेंबर हो सकता है, सिमल्टेनियसली एक टाइम पे वो दूसरे का भी मेंबर हो सकता है. मिसाल के तौर पर वो मल्टीपल जो है उसमें वो है मेंबर्स के ऑप्शंस है. सो ये है कि किस तरह ग्रुप के मेंबर्स बनाए जाएं. सो द क्वेश्चन इज हाउ द ग्रुप मेंबरशिप विल टेक प्लेस. सो द ग्रुप मेंबर कैन बी लोकेटेड एनीवेयर इन द इंटरनेट. द नंबर मे बी ग्रुप मेंबर्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, इट कैन बी मोर, इट कैन बी लेस, एंड देन दे कैन जॉइन एंड दे कैन लीव, एंड मोर देन वन होस्ट कैन बिलोंग टू मोर देन वन ग्रुप एट अ टाइम. सो ये आपके पास ग्रुप मेंबरशिप जो है इस तरीके से हो सकती है. अब है कि सेंडर सिंपली यूज ग्रुप एड्रेस एज अ सिंगल, ठीक है, ये हमारे पास है कि सेंडर सिंपली यूज ग्रुप एड्रेस एज डेस्टिनेशन. आपके पास एक ग्रुप एड्रेस है जो कि आप डेस्टिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं. सेकंड आपके पास ये है कि आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि सेंडर नीड नॉट टू बी इन द ग्रुप, ये भी हो सकता है कि वो जो सेंडर सेंड कर रहा है मैसेज वो ग्रुप का हिस्सा ना हो, ठीक है. वो ये भी कर सकता है कि लेन जो है लूप बैक नीडेड फॉर सेंडर इन द ग्रुप, ये भी है, मतलब वो अपने आप को भी सेंड कर रहा है. ऐसा भी पॉसिबल है कि वो मैसेज जो सेंड कर रहा है वो लूप बैक भी हो रहा है, उसे भी रिसीव हो रहा है. उसका स्कोप कितना होगा, वो लेन के स्कोप में हो सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोप भी उसका हो सकता है, और या उसका स्कोप जो है आप अगर आपने लिमिट करना है तो आप TTL स्कोप यूज कर सकते हैं. तो TTL के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी स्कोप को क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं. मतलब आपको 15 नोट्स चाहिए, 10 नोट्स चाहिए, सो देट कैन बी रिड्यूस थ्रू TTL, जो कि TTL हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं. अब IP मल्टीकास्ट सर्विस मॉडल के अंदर मल्टीकास्ट रिसेप्शन रिक्वायर मेंबरशिप इन द ग्रुप. जो रिसेप्शन है उसके लिए कि वो मेंबर हो ग्रुप का, ठीक है, मतलब अगर वो मेंबर नहीं है तो देट वुड नॉट बी, मतलब आप उसको डेटा उसको रिसीव मतलब मैसेज उसको रिसीव नहीं होगा, ठीक है. सो मल्टीकास्ट रिसेप्शन रिक्वायर्स मेंबरशिप इन ग्रुप, मेंबरशिप जो है उसके लिए ज़रूरी है. तो सेकंड जो है ग्रुप मैनेजमेंट का काम कौन करेगा, उसके लिए IGMP प्रोटोकॉल यूज होगा. IGMP के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस हो सकते हैं जो कि जॉइनिंग और लीव ग्रुप के लिए यूज हो सकते हैं. लैन राउटर्स जो है, जो लैन के अंदर जो राउटर है वो ट्रैक कर सकते हैं लोकल मेंबरशिप के, कौन कौन उसके मेंबर्स है उस पर्टिकुलर लैन के अंदर, तो उसको ट्रैक करना जो है उसके लिए लैन राउटर यूज हो सकते हैं. और फॉरवर्डिंग जो है वो डिपेंड करेंगे उनके राउटिंग स्कीम के ऊपर कि वो डिस्टेंस वेक्टर यूज कर रहे हैं या लिंक स्टेट यूज कर रहे हैं, उसी के थ्रू फॉरवर्डिंग होगी कि किस किस नोट को फॉरवर्ड करना है, किस किस पाथ पे फॉरवर्ड करना है. और लास्ट हॉप जो है वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा. ऑटोमेटिकली अगर लास्ट हॉप पे पहुंचेगा तो उसके बाद वैसे भी अगर वो ब्रॉडकास्ट कर दे तो वैसे भी लास्ट हॉप है तो वो सबको वहाँ पे सेंड हो जाएगा. लेकिन रिसेप्शन साइड पे, एक तो सेंडर साइड पे, रिसेप्शन साइड पे वो सेम फिनोमिना है जो कि IP यूनिकास्ट का है. क्योंकि देखिए एक सेंडर मल्टीपल रिसीवर को सेंड कर रहा है तो सेंडर थोड़ा सा डिफरेंट फीचर का हो सकता है, उसकी वो थोड़ा सा उसकी करेक्टरिस्टिक डिफरेंट है. लेकिन रिसीवर जो है वो बेशक वन टू ऑल हो या ब्रॉडकास्ट हो,
रिसीवर का काम है कि उसको एक ही मैसेज रिसीव हो रहा है. सो इट्स सेम एज वी कैन से इट्स अ पैकेट रिसेप्शन सेम एज आईपी यूनिकास्ट की तरह है. ठीक है. सो एमबोन, हमने एमबोन का कंसेप्ट हमारे पास आया कि इंटरनेट मल्टीकास्ट बैकबोन. ठीक है. एज वी नो देयर इज नो सपोर्ट फॉर मल्टीकास्ट इन आईपी वर्जन 4 एंड ऑन इंटरनेट राउटर डोंट सपोर्ट या डजंट सपोर्ट मल्टीकास्ट ग्रुप. सो व्हाट बेसिकली उसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, तो एक एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ नेटवर्क जो है वो बनाया जाता है जिसको कहा जाता है एमबोन. ठीक है. जो एक्सपेरिमेंटल होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट मल्टीकास्ट बैकबोन. ठीक है. उसका नाम है इज बेसिकली क्रिएटेड टू ओवरकम द इशू एंड इट कैन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग लाइक सीम फॉर आईपी वर्जन 4 के अंदर आपने अगर मल्टीकास्ट करना है उसमें जो राउट प्रोपेगेशन होगी वो किसके थ्रू होगी, वो इस प्रोटोकॉल के थ्रू होगी डीवीएम आरपी. सही है. सो डिस्टेंस वेक्टर जो है आपके पास है. ठीक है. डीवी बेसिकली यूज फॉर डिस्टेंस वेक्टर. सो ये आपके पास बेसिकली यूज हो सकता है डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल जो है इसके थ्रू आपके पास रूट प्रोपेगेशन हो सकती है. अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, देखिए आपने एम बोन तो बना दिए, मल्टीपल एम बोन्स तो बना दिए. ठीक है. लेकिन जब दरमियान की बात आती है, जब आप इसको कनेक्ट करते हैं, तो जो जब कनेक्टिविटी है जो बैकबोन है उसके ऊपर तो राउटर उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा. ठीक है. मींस वी कैन से व्हेन यू कनेक्ट डिफरेंट डोमेन ऑफ एम बोन्स बट when you connected the backbone, so in between the backbone, the enter mbone, no router support and understand the multicast paradigm. So, usko samajh nahi hai, to usko solve karne ke liye kya use kiya gaya, IP tunneling use kiya gaya. Aur IP tunneling ke concept humne VPN ke andar cover kiya tha, ke HP ek router hota hai, aur wo router kya karte hai, wo ek alayda se ek IP address provide karta hai, aur wo ek अगेन एक रास्ता प्रोवाइड करता है जो कि हिडन पाथ होता है जो कि नज़र नहीं आता बेसिकली. तो थ्रू एनकैप्सुलेशन एट बेसिकली एनकैप्सुलेट मल्टीकास्ट ट्रैफिक एंड आईपी पैकेट्स सेंड टू अदर मल्टीकास्ट कैपेबल राउटर्स जो कि दूसरे को सेंड किया जाता है और रिसेप्शन अनपैक एंड फॉरवर्ड ओरिजिनल मल्टीकास्ट पैकेट और फिर उसको अनपैक किया जाता है. मीन्स कि एक दफा पैक किया जाता है और फिर दोबारा से रिसीवर साइड पर उसको अनपैक किया जाता है जब वो पर्टिकुलर नोड्स की तरफ मूव करेगा. सो जो दरमियान की जो जगह है जहाँ पे एम्बोन्स को आप कनेक्ट करते हैं, सो वहाँ पे आपने क्या करना है, टनलिंग का कंसेप्ट यूज करना है. थ्रू टनलिंग आपने वो प्रॉब्लम ओवरकम करना है जो दरमियान में जो इंटरनेट के ऊपर जो राउटर्स जो है वो मल्टीकास्ट को सपोर्ट नहीं करे. सो थ्रू टनलिंग जो है आप उसको उसकी सपोर्ट को आप इंश्योर करा सकते हैं. अब हमने पहले पढ़ा कि लैन के अंदर जो एक्सटेंडेड लैन है वट एवर वहाँ पे तो डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट के थ्रू भी आप जो है कर सकते हैं, वहाँ पे तो डायरेक्ट सपोर्ट है इसकी. लेकिन प्रॉब्लम जो है फ्लडिंग के तौर पर हमने कहा कि हम यूज़ कर सकते हैं. एक्सटेंडेड लैन के अंदर जब हम स्पेनिंग ट्री सिलेक्शन करते हैं, स्पेनिंग ट्री सिलेक्शन यूज़ होता है लीडर सिलेक्शन के लिए. ठीक है. क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीडर तो होगा. ठीक है. क्योंकि मेंबरशिप ग्रुप एंड देयर मुड बी अ लीडर. सो लीडर जिस के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है तो उसके लिए एक वेल नोन एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है स्पेनिंग ट्री के अंदर जिसको हम पर्ल मैन अल्गो कहते हैं. ठीक है. सो थ्रू दिस यू कैन एलेक्ट लीडर दैट कुड बी यूज टू शॉर्टेस्ट पाथ टू द लीडर. मतलब वो शॉर्टेस्ट पाथ टू द लीडर के लिए जो आप एल्गोरिथम यूज़ करते हैं वो परमान एल्गोरिथम होता है और डिस्ट्रीब्यूट टोपोलॉजी एनीवेयर उसके लिए जो यूज़ होगा वो लिंक स्टेट यूज़ होगा. सो हाउ दिस कंसेप्ट कैन बी डिप्लाई इन इंटरनेट. अब इन कंसेप्ट को आप इंटरनेट पे किस लिए डिप्लाई करते हैं, मतलब ई लैन के अंदर तो ये कंसेप्ट यूज़ होते हैं. अब जब आप इसको इंटरनेट पे डिप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्पेनिंग ट्रीज के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है. प्रॉब्लम ये है कि बैंडविड्थ वेस्ट होता है फॉर ग्रुप विद फ्यू रिसीवर. ठीक है. मिसाल के तौर पर आप सबको डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं और रिसीवर आपके कम हैं और आप हर जगह डेटा पहुंचा रहे हैं तो आपका बैंडविड्थ यूज हो रहा है. तो इसकी सोल्यूशन क्या है कि आप प्रून कर दें उन ब्रांचेस को ट्री से जहाँ पे रिसीवर ही ना हो, मल्टीकास्ट मेंबर ही ना हो, तो उसको प्रून करें. और इसका तरीका ये है कि जो राउटर है वो
बैकवर्ड लिंक को बताएगा कि इस साइड पे नहीं है तो उसको निकाल दे, मतलब इस साइड पे आपके पास मल्टीकास्ट मेंबर नहीं है तो उसको एक राउटर जो है वो लिंक को, पीछे वाले लिंक को बताएगा कि यहाँ पे कोई मेंबर नहीं है, तो फिर वहाँ से वो उसको ब्रांच को, उस कंप्लीट ब्रांच को ही ट्री से निकाल दिया जाएगा। तो वो बैंडविड्थ यूजेज वाला प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देंगे कि हर जगह आपने मैसेज पहुँचाना है बट देयर इज़ नो रिसीवर। So for every large ELN, no single tree is efficient. So solution is define tree per groups or per source. अब या तो आपने ये करना है कि per group आपने decide करने है, per source करने है। अब ये दो चीज़ें कौन सी है? अगर आपने per group करना है tree decide, तो per group का एक advantage ये है कि आपके पास एक ही routing entry use हो सकती है, एक ही address use हो सकते हैं जिसके through आप सबको पहुंचा सकते हैं। और per source advantage क्या है कि अगर per source अगर करना चाहे तो फिर ये होगा कि आपकी efficient distribution होगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप पर सोर्स करेंगे तो मेन फायदा आपको क्या होगा कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो मोस्ट एफिशिएंट होगा कंपेरेटिवली टू पर ग्रुप। तो इन दोनों के अंदर ट्रेड ऑफ्स है। अगर आप पर ग्रुप करना चाहते हैं तो इट मींस के यू कैन सम हाउ यूज ओनली वन एंट्री पर ग्रुप, ठीक है, राउटिंग के लिए। लेकिन अगर पर सोर्स करना चाहते सो यू कैन सेलेक्ट मोर एफिशिएंट पाथ जो कि एक ग्रुप सोर्स से ही ओरिजिनेट होगा आपकी कंप्लीट। सो ये दो चीज़ें आप यहाँ पे जहन में रखें, ठीक है। सो यू नीड टू डिफाइन ट्री पर ग्रुप या पर सोर्स। तो जब ट्री डिफाइन करेंगे तो इन दो दो तरीके से आप ट्री डिफाइन कर सकते हैं, तो पर ग्रुप कर सकते हैं और या पर सोर्स कर सकते हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह आगे स्लाइड्स में सेकंड एक वीडियो लेक्चर जो है उसमें मैं इसके आगे जो है इसको मैं कवर करूंगा। तो ये मल्टीकास्ट हम दो वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी, थोड़ा सा दोबारा से एक बेट ओवरव्यू देके कि मल्टीकास्ट जो है वो बेसिकली क्या है कि वन टू मेनी, ठीक है, कम्युनिकेशन है वन टू मेनी, ठीक है, और यूज़फुल हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। मेन मसला ये है कि ये बेसिकली इसकी सपोर्ट जो है वो इंटरनेट के ऊपर नहीं है, आईपी वर्जन 4 पे नहीं है एग्जिस्टेंस। तो उसको उसको आईपी वर्जन 4 पे डिप्लाई करने के लिए, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लाई करने के लिए आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ न्यू जो है आपने फिनोमिनास को इंटीग्रेट करना होगा उसके अंदर। जो चीज़ें हैं कि आप टनलिंग को आप इंट्रोड्यूस करेंगे, साथ में जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा वो आपके पास जो है ग्रुप मैनेजमेंट के लिए IGMP यूज़ होगा, DVM RP जो है वो रूट प्रोपिगेशन के लिए यूज़ हो सकता है। फिर हमने ये देखा कि स्पैनिंग ट्री के अंदर जो है वो लीडर्स को इलेक्ट करने के लिए जो है जो एल्गोरिथम यूज़ होता है पर मैन एल्गोरिथम हो सकता है, और डिस्ट्रीब्यूट टोपोलॉजी एवरीवेयर के लिए जो लिंक स्टेट यूज़ हो सकता है। और फिर हमने ये चीज़ें देखी कि आपने स्पैनिंग ट्री को डिफाइन किस तरह करना है, आपने पर ग्रुप डिफाइन करना है उसका फ़ायदा क्या है, और अगर आपने पर सोर्स डिफाइन करना है तो उसका फ़ायदा क्या है। अच्छा, अभी तक जो हम चीज़ें पढ़ रही है हम ये इसलिए कवर कर रहे हैं कि आईपी वर्जन 6 के अंदर तो इनहेरेंट जो है डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, मल्टीकास्ट की। लेकिन आईपी वर्जन 4 के अंदर इनहेरेंटली नहीं है, लेकिन स्टिल आप चाहते कि मल्टीकास्ट जो है मैं इंश्योर कराऊँ, ठीक है, तो उसके लिए आप ये चीज़ें करते कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपने इस तरह की चेंजेस आपको रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, क्योंकि आईपी वर्जन 6 स्टिल वी कैन से कि वो कम्प्लीटली डिप्लॉय नहीं है। बल्कि अगर आप देखें सबसे ज़्यादा जो इसकी डिप्लॉयमेंट है वो इंडिया में जो कि ऑलमोस्ट 50% के क्रॉस है, लेकिन अगर आप बाकी कंट्रीज़ में देखें तो आईपी वर्जन 6 कहीं पे 20% डिप्लाई हुआ है, कहीं पे 15 है, कहीं पे 25 है, इवन पाकिस्तान के अंदर तो शायद बहुत ही कम है। तो उसकी डिप्लॉयमेंट अभी उस हालत से नहीं है। स्टिल यू व्हाट यू नीड टू डू, स्टिल यू नीड टू इंश्योर सम लाइक इस तरह के फिनोमिनास जो कि या पैराडाइम्स जो आपको रिक्वायर्ड हो ये मल्टीकास्टिंग वाले। सो फिर आपने क्या करना है कि आपने एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ तब्दीलियाँ लानी पड़ेगी ताकि ये चीज़ें हम इंटीग्रेट कर लें। अब अगले लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा इसकी ये राउटिंग्स जो है इसको हम देखते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।